हेलो एवरीवन, तो फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिस्टम लीड पर। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हम एचपी लैपटॉप को फैक्ट्री रीसेट कैसे कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने डेल लैपटॉप्स की फैक्ट्री रीसेट वाली वीडियो बनाई थी और ये आज मैं एचपी वाली बना रहा हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, हम ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आते हैं। फैक्ट्री रीसेट से पहले आपको एक बार ध्यान रखना है कि आपका लैपटॉप चार्ज में प्लग होना चाहिए, वरना प्रॉब्लम आ सकती है लैपटॉप के अंदर। यहाँ हमने प्लग पे कर दिया और फैक्ट्री रीसेट से पहले आपको लैपटॉप को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। रीस्टार्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एस्केप प्रेस करना पड़ेगा कंटिन्यूसली। हम एस्केप प्रेस करते हैं, यहाँ पे स्किप करते रहिए। स्किप करने के बाद आपके सामने एक पेज ओपन होगा, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए एक पेज ओपन होगा, यहाँ पे चार ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे आपको। यहाँ पर आपको सिंपली F11 को प्रेस करना है। हमें सिस्टम रिकवरी पे क्लिक करना पड़ेगा। हम यहाँ F11 प्रेस करते हैं, फिर से एक HP का लोगो देखने को मिलता है आपको यहाँ पे। यहाँ पर चार ऑप्शन देखने को मिलेंगे कंटिन्यू। हमें यहाँ पर ट्रबल शूट पर क्लिक करना है। ट्रबल यहाँ पर रीसेट दिस पीसी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दो ऑप्शन है, कीप एंड फाइल एंड रिकवरी। कीप एंड फाइल में अपना डाटा सेव कर सकते हो, रिमूव में पूरा A to Z डाटा डिलीट हो जाएगा इसमें आपको। हम यहाँ पूरा लैपटॉप रीसेट कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको सेकेंड ऑप्शन पर जाना है, लोकल रीइंस्टॉल पर। क्लाउड पर जाओगे तो आपको वाईफाई कनेक्टिविटी की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर हमारा HP लैपटॉप रीसेट हो रहा है पूरा। यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे, हमें फुल क्लीन द डिवाइस करना है, थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पे। और यहाँ पे ये रीसेट पर क्लिक करना है कि हमारा लैपटॉप हो चुका है रीसेट। और बहुत थोड़ा सा टाइम लगेगा, रीसेट होने में 10 से 15 मिनट लगेंगे आपको, तो थोड़ा सा आप वेट करिएगा, रीसेट हो जाएगा। उसके बाद आप बेसिक सेटअप वगैरह कर सकते हो। बेसिक सेटअप के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है, वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।